आप कहते हैं कि जान के खिलाफ आदमी इत्मीनान होगा और जान कोशिश कर रहा है, कभी कभी कदुश बिजंजो के पास जा रहा है, कभी सरदार साले बोतानी के पास जा रहा है। मैं उनको मशवरा देता हूं, मैं उनको मशवरा देता हूं कि ये वही रोग है, ये जो आपसे नाराज है ये वही रोग है। जिस वक्त सनाउल्लाह ज़ेरी वजीर आला थे, नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, इन लोगों ने नवाब सनाउल्लाह के खिलाफ अदम इत्माद पेश की, लेकिन उस वक्त लेबल मुस्लिम लीग नून का था। किसका लेबल था? मुस्लिम लीग नून का। लोग यही थे, लोग यही थे, लेबल मुस्लिम लीग नून का। एक टेलीफोन कॉल पर नवाब सनाउल्लाह को हटा दिया गया। मेरे भाई मेरे दोस्त दोस्त बिजंजो को वजीर आला बनाया और पार्टी का नाम क्या रखा? नई पार्टी बनी। उस मुस्लिम लीग नून की बोतल पर बाप का लेबल लगा है। किसका लेबल लगा? बाप का। लिहाजा ये वही लोग हैं। जान साहब जब आप इनके साथ थे, सनाउल्लाह को गिराया, ये मकाफात अमल का दुनिया है। आज वही लोग बाप की बोतल में इकट्ठे होकर आपको गिरा रहे हैं। लेकिन मैं एक मशवरा देता, तुम तकलीफ ना करें, ना कदुस बिजंजो के पास जाओ, ना किसी और के पास। जिसने तुम्हें वजीर आला बनाया, जिसने तुम्हें बाप पार्टी बनाकर सदर बनाया, उसी कंट्रोल पावर के पास जाओ, उसी कंट्रोल पावर के पास जाओ। जाओ मिन्नत करो, तरले करो, दाढ़ी दामन में दो खुदा के लिए। एक साल बाकी है, डेढ़ साल बाकी है, आज के बाद मैं फरमा बरदार बच्चा बन के काम करूंगा। आज के बाद मैं फरमा बरदार बाप के तो बच्चे होंगे, बाप के तो बच्चे होंगे, लिहाजा आज के बाद मैं फरमा बरदार बच्चा कन के कम बच्चा बनकर ताबेदार बच्चा बनकर काम करूंगा। वो नहीं जाओ, अगर मालूम नहीं है मैं बताऊंगा। एक दफा तो मार पड़ी है वहां से, मुझे मेरी शरीयत खत्म कर दी गई। हबीब नाले के उस तरफ एक साहब बैठा है, नाम मुझे मालूम नहीं है वरना मैं नाम लेता, या उसके पास जाओ या वो जो पुराना उधर बैठा था बाप बाटी तुम्हें बना के दी उसके पास जाओ। लेकिन आप गए, आज आप इस्लामाबाद है आप गए, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने आवाज नहीं सुनी, उन्होंने फरियाद नहीं सुनी। ये है इस किस्म की हुकूमत।